हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिपीडिया। आई एम रोशनी गौतम और चलिए रेवेन्यू अकाउंटेंट एंड इंटरनल ऑडिट की तैयारी करने के लिए यहाँ पर मैं एक और लेक्चर आपके लिए लेके आई हूँ। क्या है? फाइनेंस का। ये लेक्चर में हम फाइनेंस के एमसीक्यूज़ को करेंगे और बहुत सारे कंसेप्ट मैं बताऊँगी। इससे पहले दो और लेक्चर रिलेटेड टू फाइनेंस हो चुका है, अगर आपने नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा, आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज जो बेसिकली जो आपका लेक्चर रहने वाला है वो टेक्सटेशन पर रहने वाला है और बहुत सारे कंसेप्ट मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बेस बनाते हैं। अगर हम टेक्सटेशन पढ़ रहे हैं तो हम थोड़ा सा उसको इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं क्या होता है। तो थोड़ा सा मैं आपको बताती हूँ। टेक्सटेशन, अगर टैक्स की बात करें तो ये क्या होता है? रेवेन्यू जनरेशन। आपको पता है कि बजट में जो हम रेवेन्यू रिसिट्स पढ़ते हैं तो रेवेन्यू रिसिट्स का पार्ट क्या होता है? टेक्सटेशन, जो कि कंपल्सरी पेमेंट होता है अगर आप इंडिया में रह रहे हैं। ओके, तो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। आप ये नहीं बोल सकते हो कि मैं आपको टैक्स नहीं दूंगा। ये कंपल्सरी पेमेंट है और हर एक पर्सन को टैक्स देना पड़ेगा। ओके, तो ये है। और यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा डिवाइड किया जाता है। दो प्रकार के हमें देखने को मिलता है टैक्सेशन, वो कौन कौन से हैं? वो हैं डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में कौन कौन सा आता है हमें मालूम होना चाहिए। हम डिटेल में नहीं पढ़ेंगे बट थोड़ा थोड़ा सा मैं आपको बताती हूँ क्या होता है। पहले तो आपको डायरेक्ट टैक्स पता होना चाहिए। तो डायरेक्ट टैक्स, एक कंसेप्ट आप पढ़ते हैं इम्पैक्ट और एक कंसेप्ट पढ़ते हैं आप इंसिडेंस, राइट? दो कंसेप्ट आप पढ़ते हैं, यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ। तो एक होता है इम्पैक्ट और एक होता है इंसिडेंस। इम्पैक्ट क्या होता है स्टूडेंट? इनिशियल बर्डन। ओके, इम्पैक्ट लिख लीजिएगा, इनिशियल बर्डन, और एक होता है इंसिडेंस। ओके, इंसिडेंस तो वो क्या होता है? फाइनल। ये होगा आपका इनिशियल बर्डन, इनिशियल बर्डन, और ये क्या होगा? फाइनल बर्डन। ओके, फाइनल बर्डन हो जाता है। तो ये दो वर्ड याद रखिएगा। और अगर आपसे पूछते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स में कौन सा जो इम्पॉर्टेंट है, ये इम्पैक्ट और इंसिडेंस। इम्पैक्ट, किसी ने टैक्स लगाया तो इम्पैक्ट बढ़ गया। क्या आपने उसको वियर किया, टैक्स आपने पे किया या नहीं किया? जो टैक्स पे करेगा उस पर क्या हो गया? फाइनल बर्डन। फाइनली किसने पे किया तो वो क्या होता है? इंसिडेंस। तो अगर हम डायरेक्ट टैक्स की बात करें तो यहाँ पर सेम पर्सन, ओके, सेम पर्सन इम्पैक्ट भी बियर करता है, सेम पर्सन इम्पैक्ट भी बियर करता है और इंसिडेंस भी बियर करता है। मतलब कि डायरेक्ट टैक्स में यहाँ पर सेम पर्सन इम्पैक्ट और इंसिडेंस यहाँ पर देता है। मान लीजिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किसी पर टैक्स लगाया, इनकम, मतलब कि डायरेक्ट टैक्स, इनकम टैक्स, तो वही फाइनली टैक्स क्या करेगा? पे करेगा। तो यहाँ सेम पर्सन बियर करता है, यहाँ डिफरेंट हो जाता है। यहाँ पर मान लीजिए शॉपकीपर पर, है ना, शॉपकीपर पर सरकार ने टैक्स लगाया लेकिन उसने नहीं पे किया। हो सकता है वो भी पे कर सकता है, हो सकता है वो क्या कर देगा, पास ऑन कर देगा, और उसको हम बोलते हैं शिफ्टिंग इन टैक्स। ओके, शिफ्ट कर दिया। कैसे शिफ्ट करता है ये भी आपको मालूम होना चाहिए। शिफ्ट कैसे करता है? प्राइस इंक्रीज करके, प्राइस इंक्रीज करके वो टैक्स क्या कर देता है? शिफ्ट कर देता है। तो यहाँ पर डिफरेंट पर्सन इम्पैक्ट और इंसिडेंस बियर करता है। ओके, तो ये दो वर्ड आपको पता होना चाहिए। डायरेक्ट टैक्स सेम पर्सन बियर करेगा और इनडायरेक्ट टैक्स जो होता है वो डिफरेंट पर्सन इम्पैक्ट और इंसिडेंस। और इम्पैक्ट मतलब होता है किस पर लगाया गया और किसने पे किया, वो क्या होता है? इंसिडेंस होता है। दो वर्ड याद रखिएगा। अब कुछ टैक्स हैं जहाँ पर डिवाइडेड है डायरेक्ट टैक्स क्या होता है और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहले जो इनकम टैक्स, जो कि इनकम पर लगता है, आप जितना इनकम सैलरीज अर्न कर रहे हो और उस पर जो टैक्स लगता है वो इनकम टैक्स होता है। ओके, फिर बात करें कॉर्पोरेशन टैक्स, जो कि बिजनेसमैन पर लगता है। ओके, बिजनेस, आप प्रॉफिट अर्न कर रहे हो तो आपके क्या होगा? टैक्स देना पड़ेगा। तो ये आपने अगर कोई कंपनी रजिस्टर करी है तो उस पर टैक्स लगेगा। ओके, ये है। फिर मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स, यहाँ पर क्या होता है, आपको अगर आप बिजनेसमैन हो तो मिनिमम अमाउंट ऑफ टैक्स सरकार को या गवर्नमेंट को आपको देना पड़ेगा। तो मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स,
कैपिटल गेन टैक्स जो कि एसेट पर लगता है, एसेट आपके पास है, अगर आपके पास गोल्ड है या फिर आपने कोई प्रॉपर्टीज़ बाई करी उस पर आपने प्रॉफिट अर्न किया और प्रॉफिट अर्न किया तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो क्या हो जाता है, कैपिटल गेन मतलब फ़ायदा किया है ना, तो उसके अकॉर्डिंग टैक्स लगेगा। फिर है सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन। सिक्योरिटी हमें पता है क्या होता है, शेयर होता है, बॉन्ड होता है। ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, बाय एंड सेल कर रहे हैं, तो यहाँ पर अगर आप प्रॉफिट अर्न करोगे तो आपको टैक्स लगना पड़ेगा। अब हमें पता है स्टॉक मार्केट में हम सिक्योरिटीज़ को बाय एंड सेल करते हैं, बिल्कुल सही है, लेकिन कमोडिटीज़ को भी बाय और सेल करते हैं। यस, स्टॉक में मार्केट में कमोडिटीज़ का भी क्या होता है, ऑक्शन होता है, और यहाँ पर भी हम बाय सेल करते हैं तो उस पर भी टैक्स लगेगा, और ये सारे डायरेक्ट टैक्स होंगे। फिर वेल्थ टैक्स, ओके, वेल्थ हो गया और गिफ्ट टैक्स। वेल्थ टैक्स अब नहीं है इंडिया में, और गिफ्ट टैक्स भी लगता है गिफ्ट पे, अकॉर्डिंग टू आप कितना गिफ्ट ले रहे हो, उसमें एग्जेम्पशंस भी होते हैं, बहुत सारी चीज़ होती हैं, तो ये सब आपका क्या हो गया, डायरेक्ट टैक्स। ऑन एन एवरेज मैंने आपको बताया। फिर बात करें इनडायरेक्ट टैक्स, जैसे कस्टम हो गया। पहले बिगेस्ट जो एग्जाम्पल है वो क्या है, GST, जो 2017 में हमें देखने को मिला, सभी को मर्ज कर दिया और हमने ले आए GST, ओके, ये है। और ये सब क्या है, रेवेन्यू जनरेट करने, जो हम रेवेन्यू रिसिट्स पढ़ते हैं ना बजट में, आपका एक होता है रिसिट्स और एक्सपेंडिचर। रिसिट्स में भी कैपिटल होता है और रेवेन्यू, तो जो टैक्स होता है वो रेवेन्यू रिसिट्स का पार्ट है, ओके। बजट के में आपको ये सारे क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगी। तो हो गया कस्टम, सेल टैक्स हो गया, एक्साइज सर्विस वैल्यू एडेड टैक्स, ये 2005 में आया था, और इसके बाद क्या हो गया, GST हो गया। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, इसके जो डेट है वो हम इकोनॉमी GK में करेंगे, ओके, सारे डेट्स मैं आपको बताऊंगी। नेक्स्ट, अब चलिए अब क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, थोड़ा सा आपका बेस बन गया, आपको थोड़ा सा पता चल गया कि क्या है और आप इसके अकॉर्डिंग आंसर दे सकते हैं। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं, और यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन, मेरी फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, और बताइएगा इसका आंसर क्या है। तो सवाल पूछ देखते हैं क्या पूछ रहा है। इनकम टैक्स एक्ट केम इन द फोर्स ऑन, कब आया था, फोर्स पूछा गया, आया कब था, ओके, एक्ट नहीं पूछा है, ध्यान से आंसर दीजिएगा। तो यहाँ पर ऑप्शंस है 61, 62, 56 और 65, कब आया। तो बात करते हैं, अगर हम देखें ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश जब आज़ादी से पहले की बात करें तो 1860 में क्या हो गया था, जो इनकम टैक्स वो इंट्रोड्यूस हो गया था, किनके द्वारा, सर जेम्स विल्सन के द्वारा, में हो ना, पूछ सकते हैं आपसे, ओके। फिर आफ्टर इंडिपेंडेंट की बात करें तो इंडियन गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया इनकम टैक्स एक्ट 1961। इनकम टैक्स एक्ट कौन सा है, 61 है, लेकिन कब से लागू और इंट्रोड्यूस हो गया, वो अप्रैल, 1 अप्रैल 1962। अप्रैल क्यों, क्योंकि हमारा फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, है ना, तो हो जाएगा, तो 1 अप्रैल 1962 से केम इन इफेक्ट हो गया, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, 1 अप्रैल 1962, ओके। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं, आपको क्लियर, एक एक पॉइंट्स आप लिखते जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, एम्पावर टू लिवाइड एंड कलेक्ट इनकम टैक्स, ये पावर किसको दिया जाता है, स्टेट गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को, RBI को, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को, किसको दिया जाता है, तो इनकम टैक्स कौन लगा सकता है। तो यहाँ पर बात करें तो इनकम टैक्स, ओके, इनकम टैक्स इन इंडिया जो कि हमारा डायरेक्ट टैक्स है, वो कौन लिवाइड, लिवाइड मतलब लगाना और कलेक्ट इकट्ठा करना, कौन करता है, बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ओके, सेंट्रल गवर्नमेंट थ्रू द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ओके, किनके थ्रू करता है, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट होते हैं, अंडर कौन से एक्ट के थ्रू, तो अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत, स्टेट गवर्नमेंट, आरबीआई क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एंड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो होते हैं उनको अथॉरिटी नहीं दी गई है इनकम टैक्स कलेक्ट करने की, किसको दी गई है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कौन से एक्ट के थ्रू, तो एक्ट
इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत. ओके, तो ये सारे पॉइंट्स आपने याद रखना है. इनकम टैक्स हो गया. और अगर अकॉर्डिंग टू बजट की बात करूँ स्टूडेंट, तो हाईएस्ट जो रेवेन्यू जनरेट होती है ना सरकार की, गवर्नमेंट की, वो जीएसटी से होती हैं. और अगर सेकंड हाईएस्ट बोलूँ तो इनकम और कॉरपोरेट टैक्स से ही रेवेन्यू जनरेट होती हैं. तो सेकंड हाईएस्ट जो रेवेन्यू जनरेशन का पार्ट है वो इनकम टैक्स ही है. ओके, तो आंसर आपको पता चल गया क्या है यहाँ पर, सेंट्रल गवर्नमेंट. तो बी आंसर हो जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे. इसी के साथ बोलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 है एग्जेम्प्टेड. ओके, इनकम आर डिफाइंड अंडर सेक्शन. जो एग्जेम्प्शन है कौन से एक्ट के थ्रू है, 15 ऑफ इनकम टैक्स, 18 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, 10 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट और 20 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट. तो यहाँ पर बोलते हैं ना टैक्स को छूट मिले, जैसे कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड होगी उस पर टैक्स क्या होता है, आपको छूट मिलती हैं आपके जो भी हैं बहुत सारे चीज़, जैसे कि एग्रीकल्चर टैक्स हो गया उस पर भी छूट लगता है. तो वो कौन से सेक्शन के थ्रू, तो बात करें तो एग्जेम्प्शन ऑफ इनकम जो डिफाइन है वो सेक्शन 10 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 में डिफाइन है. ओके, ये हो जाता है. चल नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. बहुत सारे कंसेप्ट है, एक एक कंसेप्ट मैं आपको बताऊंगी. तो क्वेश्चन नंबर 4 पूछा है डायरेक्ट टैक्स आर इन नेचर रिग्रेसिव होता है डेप्रिसिएटिंग. डेप्रिशिएटिंग अभी वर्ड बताऊंगी, प्रोग्रेसिव क्या होता है और इंक्रीजिंग क्या होता है. अब सबसे पहले हम इसको कंसेप्ट को समझते हैं और फिर इसका आंसर देखेंगे क्या होता है. तो सबसे पहले अगर बात करें स्टूडेंट, तो रिग्रेसिव, रिग्रेसिव क्या होता है, एज इनकम इंक्रीज. ओके, एज इनकम इंक्रीज आपका टैक्स रेट, रेट वर्ड याद रखिएगा, जिस ऑप्शन में रेट नहीं होगा उसको करेक्ट नहीं करना है. ओके, तो एज इनकम इंक्रीज टैक्स रेट क्या होगा आपका, रिड्यूस. ओके, टैक्स रेट रिड्यूस. इस टैक्स सिस्टम में आप पर जो, अगर हम रिच की बात करें तो लेस बर्डन होता है. ओके, लेस बर्डन पड़ता है, ये सारे वर्ड लिख लीजिएगा. और पुअर पर बात करें तो मोर बर्डन पड़ता है, मोर बर्डन, मोर बर्डन. ओके, और जिसकी वजह से अगर इंडियन इकॉनमी या किसी इकॉनमी की बात करें, इनइक्वालिटी क्या हो जाती है, इनइक्वालिटी इंक्रीज हो जाती है. ओके, इनइक्वालिटी आपका इंक्रीज देखने को मिलता है. ओके, समझ आ गया. तो रिग्रेसिव ये हो गया. तो रिग्रेसिव में अच्छा नहीं होता इकॉनमी के लिए, क्योंकि वेलफेयर के लिए सही नहीं है. नेक्स्ट क्लियर हो गया है. अब हम चलेंगे प्रोग्रेसिव की तरफ. प्रोग्रेसिव क्या होता है, ओके, प्रोग्रेसिव की बात करें तो प्रोग्रेसिव में बात करें तो एज इनकम, ओके, इनकम इंक्रीज होगी, इनकम इंक्रीज, इनकम इंक्रीज टैक्स, ओके, टैक्स रेट इंक्रीज, टैक्स रेट भी इंक्रीज होता है. जो पुअर होते हैं, पुअर होते हैं, पुअर और रिच, तो रिच पर ज़्यादा बर्डन होता है, मोर बर्डन, मोर बर्डन, एंड और पुअर पर लेस बर्डन पड़ता है. ठीक है, लेस बर्डन पड़ता है. क्लियर है. इससे इनइक्वालिटी रिड्यूस हो जाते हैं, उससे इंक्रीज होती हैं, इससे रिड्यूस हो जाता है. क्लियर है. तो इस प्रकार से आपको प्रोग्रेसिव भी पता चल गया. अब एक वर्ड है डेप्रिसिएटिंग. ये इनकम, नेशनल इनकम का पार्ट है, बट मैं आपको समझाती हूँ. आ गया वर्ड तो हमें पता होना चाहिए. तो डेप्रिसिएशन क्या होता है, अगर आप ग्रॉस से डेप्रिसिएशन को माइनस करोगे तो आपको नेट वैल्यू आ जाएगी, जो कि कैपिटल गुड्स की डेप्रिसिएशन होती है. कैपिटल गुड्स जो कि हम फाइनली कंज्यूम नहीं करते हैं, फर्दर प्रोडक्शन में यूज़ करते हैं, उसको हम कैपिटल गुड्स बोलते हैं. क्लियर है. कैपिटल हमारी यूटिलिटी को सेटिस्फाई नहीं करता, कैपिटल गुड्स हमारे जो भी हमने जो प्रोडक्शन या कुछ भी हम काम कर रहे हैं उसमें हेल्प करता है वो कैपिटल. और जो बिजनेसमैन होता है वो अपनी डेप्रिसिएशन पहले से डिसाइड करता है. और एक वर्ड आता है कैपिटल लॉस, वो बिजनेसमैन को पता नहीं होता, वो अनसर्टेन होती है, कुछ भी हो सकता है. जैसे कि पेंडेमिक आ गया, कोविड 19 आ गया, मान लो फायर लग गया, तो वो क्या हो
गया, वो कैपिटल लॉस हो गया, जिसको इंश्योरेंस से बिजनेसमैन कवर करता है। इंक्रीजिंग का तो आपको पता ही है, तो आंसर क्या हो जाता है? प्रोग्रेसिव। आपका डायरेक्ट टैक्स क्या है? प्रोग्रेसिव। अगर आपसे पूछते हैं इंडिया में कौन से टाइप ऑफ टैक्स चलता, तो ये प्रोग्रेसिव टाइप ऑफ टैक्स चलता है। ओके, क्योंकि हमने इनइक्वालिटी को क्या करना है? रिड्यूस करना है। अब एक एक करके मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ। तो बोल रहे हैं इसका डेफिनेशन की बात करें तो रिग्रेसिव क्या होता है? अप्लाइड यूनिफॉर्मिटी, सब पर एक समान, पर यूनिफॉर्मिटी, सब पर टैक्स लगा दो एक जैसा। ओके, जैसे कि लार्जर परसेंटेज जो कि लो इनकम अर्नर होते हैं उन पर लार्जर लगता है, और जो हायर इनकम होते हैं उन पर कम होता है, जो कि मैंने आपको बताया। कोई एग्जाम्पल है रिग्रेसिव टैक्स का? यस, जैसे कि मान लीजिए सेल टैक्स हो गया, एक्साइज ड्यूटी हो गया, जो कि कंजम्पशन पर लगता है ना। 100 रुपये एक रिच के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन 100 रुपये एक पुअर के लिए बहुत है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या हो जाएगा? आपका रिग्रेसिव एग्जाम्पल। इम्पैक्ट की बात करें तो इससे इनइक्वालिटी क्या होती है? इनक्रीज होती है। ओके, इनइक्वालिटी इंक्रीज होगी, और वेलफेयर के लिए ये टाइप ऑफ नेचर ऑफ टैक्स अच्छा नहीं होता है। ओके, अब कर देखेंगे प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव टैक्स की बात करें तो यहाँ पर इंक्रीज होता है टैक्स अमाउंट एज इनकम इंक्रीज। यहाँ पर हाई परसेंटेज ऑफ जो लोग ज़्यादा अर्न करते हैं इनकम उन पर ज़्यादा, एंड लो जो कि पुअर लोग होते हैं उन पर। जैसे कि हमारा एग्जाम्पल है इनकम टैक्स, है ना, वो क्या है आपका? प्रोग्रेसिव टैक्स का एग्जाम्पल है। इम्पैक्ट, इससे इनइक्वालिटी क्या होती है? रिड्यूस होती है। ओके, इनइक्वालिटी क्या होता है? कम होता है, रिड्यूस होता है। तो ऐसे आपने याद रखना है। तो यहाँ पर बहुत सारे हमने टर्म्स देख लिया है, और रेट, द वर्ड रेट याद रखिएगा, रेट बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए नेक्स्ट, अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ इनडायरेक्ट टैक्स इन इंडिया। ओके, इनडायरेक्ट टैक्स कौन सा टैक्स होता है? जहाँ पर इम्पैक्ट और इंसिडेंट्स डिफरेंट डिफरेंट पर्सन बियर करते हैं, तो उसको इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। ऑप्शंस है, ए है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, बी है कॉरपोरेशन टैक्स, सी है इनकम टैक्स, और कैपिटल गेन टैक्स। तो देखते हैं, अब यहाँ पर आप सभी को बहुत इजी है, लेकिन आज सारे कंसेप्ट को देखेंगे। तो अगर गुड्स एंड सर्विस टैक्स की बात करें तो इसका क्या है? ये गुड्स एंड सर्विस मतलब कि जो आपकी टेंजिबल और जो इनटेंजिबल आइटम होते हैं, जो विजिबल इनविजिबल आइटम्स होते हैं, उन सब पर टैक्स लगता है। नेचर की बात करें तो ये, अगर ये वेट, पहले क्या था 2005 में वेट था, उसके बाद हमने GST को इम्प्लीमेंट किया। ओके, अब यहाँ पर ये बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है, मल्टी स्टेज टैक्सेशन लगता है। 3 प्रकार को आपको देखने को मिलता है, CGST जो कि सेंट्रल, IGST लगता है जो कि डेस्टिनेशन बेस्ड टेस्ट है, ओके, टैक्स है, और CSGST जो कि स्टेट गवर्नमेंट लगाती है। ओके, यहाँ पर 5% आपको अकॉर्डिंग टू, जैसे जैसे आपकी जो नीड है लग्जीरियस आइटम की तरफ जाओगे तो टैक्स रेट भी इंक्रीज होता है, 28 हो गया, 18 हो गया, 12 हो गया, इस प्रकार से आपके इंक्रीज होते हैं। तो ये क्या होता है? और बहुत इम्पॉर्टेंट, कास्केडिंग इफ़ेक्ट। GST को हम क्यों लेके आए? कास्केडिंग इफ़ेक्ट को कम करना। अब ये क्या होता है? कास्केडिंग इफ़ेक्ट को हम सिंपल वर्ड में समझेंगे, जो डबल टैक्सेशन लग जाता था। अब देखिए, मैं थोड़ा सा एग्जांपल से लगाती हूँ। मान लीजिए कि एक मैन्युफैक्चर है, उसने 100 रुपये की चीज़ बनाई और उसने होलसेलर को 150 रुपये में दे दिया। अब होलसेलर भी क्या लगाएगा? कुछ ना कुछ टैक्स लगाएगा। तो यहाँ पर पहले क्या लगता था? होलसेलर 150 रुपये पर, मतलब कि सरकार जो लगाती थी टैक्स, वो क्या लगाती थी 150 पर, होल अमाउंट ऑफ टैक्स लगाती थी। लेकिन होलसेलर ने कितना अर्न किया? 50 रुपीज़ ही अपनी वैल्यू ऐड करी है ना। तो यहाँ पर पहले होल अमाउंट पर टैक्स लगता था, लेकिन अब जो है वो वैल्यू एडेड पर लगता है। इट मीन्स कि अब जितना वैल्यू ऐड होगा, अगर मैन्युफैक्चरर से होलसेलर, होलसेलर से रिटेलर, तो रिटेलर ने जितना ऐड किया, बेस तो हो गया है, जितना वो
वैल्यू ऐड करेगा। मान लीजिए रिटेलर के पास उसने 200 रुपए का सामान, तो कितना वैल्यू ऐड किया उसने, 50 रुपए। तो 200 रुपए पर टैक्स नहीं लगेगा, 50 रुपए पर टैक्स लगेगा। इसको ही बोलते हैं कि डबल टैक्सेशन, क्योंकि 100 रुपए पर तो बार बार टैक्स लग रहा है ना, तो इसको रिड्यूस करने के लिए हम क्या लेके आए, GST, दैट इज गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ओके, इसको क्या, वैल्यू एडेड, जितना वैल्यू ऐड करेंगे उस पर टैक्स लगेगा, होल अमाउंट पर टैक्स नहीं लगेगा, जिससे कास्केडिंग इफेक्ट, मतलब कि जो हमारी डबल टैक्सेशन थी वो क्या हो गई, रिड्यूस हो गई है। सिंपल क्लियर। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे इनडायरेक्ट टैक्स, जो कि आपके कंजम्पशन पर लगता है। ओके, कंजम्पशन, जितना आप कंज्यूम करोगे, जितनी लग्जीरियस गुड की तरफ जाओगे, जितनी बेसिक गुड्स की तरफ जाओगे, आपका टैक्स रेट भी इंक्रीज होगा। दो वर्ड याद रखना है, इम्पैक्ट और इंसिडेंस। यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट पर्सन इम्पैक्ट और इंसिडेंस बियर करता है। डायरेक्ट टैक्स, जो कि डायरेक्टली आपकी रेवेन्यू जनरेशन, जितना आप फायदा कमा रहे हो उतने पर आपका टैक्स लगेगा, तो क्या होता है, डायरेक्ट टैक्स। कौन से प्रकार के हैं, फर्स्ट स्लाइड में हमने पढ़ लिया। ओके, तो यहाँ पर इंडिविजुअल, जैसे बिजनेस बेस हो गया, इनकम बेस हो गया, इस पर टैक्स लगता है, प्रॉफिट बेस, रेवेन्यू बेस पर टैक्स लगता है। यहाँ पर इंसिडेंस और इम्पैक्ट सेम पर्सन बियर करती हैं। कैपिटल गेन टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स, मान लीजिए आपने एसेट अर्न किया, तो आपने खरीदा था 100 रुपये का और बेचा आपने 200 रुपये, तो 100 रुपये का फ़ायदा किया, तो आपको क्या देना पड़ेगा, टैक्स एसेट पर लगता है, प्रॉपर्टीज़ हो गई, गोल्ड हो गया, आपने कोई एसेट अर्न किया, उस पर प्रॉफिट अर्न किया, तो आपको कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा। ओके, ये है, क्लियर है स्टूडेंट। तो आंसर इसका सिंपल सा था, बट यहाँ पर कंसेप्ट बहुत सारे थे, हमने कंसेप्ट को समझना है, तो आंसर ए हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, इनकम बाय द वे ऑफ रेंट ऑफ एग्रीकल्चर लैंड। अब यहाँ पर एग्रीकल्चर लैंड पर कौन सा टैक्स लगता है, कौन से एग्जेम्पशन से, ये सारे बात करेंगे। ओके, तो यहाँ पर बिजनेस इनकम होता है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स होता है, या एग्रीकल्चर इनकम होता है, या कैजुअल इनकम होता है। कैजुअल मतलब कभी कभी। तो हमें पता है कि जो इनकम टैक्स वे ऑफ रेंट ऑन एग्रीकल्चर होता है वो क्या है, आपका एग्रीकल्चर इनकम है। अब बात करेंगे, आप बोलोगे कि मैम क्या एग्रीकल्चर पर क्या टैक्स लगता है। नो, इस पर नहीं लगता है, क्योंकि आपको पता है कि एग्रीकल्चर में बहुत सारे ऐसे फार्मर हैं जो कि अभी इनकम जनरेट नहीं करते, और यहाँ पर इनकम का अनसर्टिनिटी बहुत है, राइट, हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि इतना इनकम होगा, तो अनसर्टिनिटी बहुत है, तो यहाँ पर टैक्स नहीं लगता है। लेकिन कुछ अमाउंट, इसमें भी बहुत सारे कैटेगरीज हैं, तो थोड़ा बहुत मैं आपको बताती हूँ। अब देखते हैं, जो एग्रीकल्चर इनकम है वो नॉन टैक्सेबल है, मतलब यहाँ पर टैक्स नहीं लगता है। कौन से सेक्शन, सेक्शन 10(1). ओके, इनकम टैक्स एक्ट के तहत एग्रीकल्चर पर कोई टैक्स नहीं लगता है। ओके, अगर यहाँ पर देखा गया है, स्टेट गवर्नमेंट, यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं लगा सकती। ओके, कौन लगा सकता है, स्टेट गवर्नमेंट। अगर टैक्स लगाएंगे भी तो कौन लगाएंगी, स्टेट गवर्नमेंट ही लगाएंगी, याद रखिएगा। क्यों, क्योंकि जो एग्रीकल्चर है वो स्टेट लिस्ट में लिखा हुआ है। ओके, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो एग्रीकल्चर है वो स्टेट लिस्ट में होता है ना, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। तो एग्रीकल्चर जो मेंशन है वो आपकी स्टेट लिस्ट में है, तो यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट ही लगाएंगी। अगर किसी की अमाउंट एक्सीड होती है 5,000 पर ईयर, ओके, यहाँ पर भी बहुत सारी कैटेगरीज, बोलोगे मैम 5,000 पर ईयर, यस स्टूडेंट, 5,000 पर ईयर के अबव अगर आपको इनकम अर्न करता है कोई फार्मर, तो उसको लगता है। इसमें भी बहुत सारी कैटेगरीज हैं, और यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट ही क्या लगा सकती है। अब आपके लिए एक होमवर्क है, आप सर्च करके बताएंगे कि इंडिया में कौन कौन सा ऐसा स्टेट है जो कि इनकम टैक्स लगाता है। ओके, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलिए, तो और देख लेते हैं कि कौन सा
एग्रीकल्चर इनकम कौन होता है, बोलोगे कौन सा एग्रीकल्चर को डिफाइन करेंगे। सिंपल एंड शॉर्ट में बताती हूँ, जो कि लैंड, जो एग्रीकल्चर लैंड होता है जो कि हम प्रोडक्टिविटी प्रोडक्शन के लिए यूज़ करते हैं, ओके तो वो हो जाएगा आपका एग्रीकल्चर। जैसे कि एग्जांपल है रेंट अर्न फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड, जो कि उपजाऊ लैंड होगा उस पर रेंट अर्न करते हैं, वो क्या हो जाएगा एग्रीकल्चर इनकम होगा। ओके इनकम फ्रॉम सेलिंग एंड कटिंग ऑफ ट्री ऑफ लम, जो अगर आपने एग्रीकल्चर लैंड पर ट्रीज वगैरह लगाया है तो वो भी एग्रीकल्चर इनकम हो जाता है। अर्निंग फ्रॉम द ग्रोइंग क्रीपर एंड फ्लावर, एग्रीकल्चर लैंड पर आपने फ्लावर्स वगैरह लगाया है तो वो भी क्या हो जाएगा एग्रीकल्चर इनकम हो जाएगा। अगर आपने हनी वगैरह किया है तो वो भी एग्रीकल्चर लैंड हो जाएगा। अगर सीड सेल कर रहे हैं, मान लीजिए कि एग्रीकल्चर लैंड पर आपने बहुत सारे सीड्स लगा दिए, छोटे छोटे पौधे लगा दिए और उसको सेल कर रहे हैं तो वो भी एग्रीकल्चर इनकम पर होगा। सेल ऑफ ट्री डैट हैव बीन प्लांटेड अगेन, आपने फिर से प्लांट किया, ओके प्लांट्स वगैरह की लगाया आपने एग्रीकल्चर लैंड जो कि उपजाऊ होती है प्रोडक्टिव होती हैं, उस पर अगर कोई भी ट्री लगाया तो वो आपने बेचा तो वो आएगा एग्रीकल्चर इनकम पर। ओके तो इस प्रकार से ये सारे मेंशन है और इसको हम बोलते हैं एग्रीकल्चर इनकम और इस पर टैक्स नहीं लगता है अंडर सेक्शन 10(1) ओके 1 के तहत। और जो स्टेट, अगर कल को अगर कोई भी हम देखें हमारे इंडिया में बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जो कि एग्रीकल्चर टैक्स लगाते हैं, बट वो कौन लगा सकता है, स्टेट गवर्नमेंट नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट का यहाँ पर कोई लेना देना नहीं होता है। ओके इस प्रकार से क्यों, क्योंकि ये आपके स्टेट लिस्ट में मेंशन है, क्लियर है इस प्रकार से। तो चलिए स्टूडेंट, यहाँ पर आपको पूरे अच्छे से हमने देखा कि टैक्सेशन कैसे, और कुछ क्वेश्चंस करें ऐसे और क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आऊँगी जो कि बहुत इंफॉर्मेटिव होने चाहिए, राइट। उसके बाद यहाँ पर स्टूडेंट रेवेन्यू अकाउंटेंट एंड इंटरनल ऑडिटर के लिए कोर्स अवेलेबल है, आप बाय कर सकते हैं। आपने क्या करना है, इस नंबर पर कॉल करना है, दैट इज 7837 ओके 3777 3651 ओके इस पर आपने कॉल करना है। कोई भी जानकारी हो, आपको मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करनी चाहिए वो लेना हो तो आप इस पर्टिकुलर नंबर पर कॉल कर सकते हैं। ओके कोर्स जो है वो डिज़ाइन किया गया है आपके रेवेन्यू अकाउंटेंट एंड इंटरनल ऑडिटर के लिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो आप इसको खरीद सकते हैं। यहाँ पर आपको कोई भी डाउट होते तो उस पर्टिकुलर नंबर पर ज़रूर कॉल करेंगे। ओके स्टूडेंट आज के लिए इतना ही, लेकिन फिर से मिलूँगी मैं आपके लिए नए लेक्चर के साथ, नए कंसेप्ट के साथ, नए इंपॉर्टेंट टर्म्स के साथ। आप सभी का धन्यवाद, और जो मैंने क्वेश्चन पूछा उसका आंसर जरूर दीजिएगा। थैंक यू।